हेलो स्टूडेंट, इट इज़ क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस। वी आर रीडिंग चैप्टर 2, माइक्रोबायल वर्ल्ड, सूक्ष्म जीवों का संसार। टुडे वी आर रीडिंग, हेडिंग इज प्रोटोजोआ। ये भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर सिंपल मिनट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ये सादे छोटे एक कोश के जीव होते हैं और ये जीवों की तरह ही एनिमल्स के जैसे ही व्यवहार करते हैं। दे आर हिटरोट्रॉपिक इन नेचर। ये आदत में हिटरोट्रॉपिक परपोषी होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एनी फेवरेबल एक्वेटिक एनवायरमेंट सच एज फ्रेश वाटर लेक्स, स्टैगनेट पॉन्ड्स, मॉइस्ट सॉयल, डीचेज और इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एज पैरासाइट्स। ये गीली नम जगह पर पानी वाले स्थान पर मिलते हैं, जैसे ताजे पानी की झील, तालाब, गीली मिट्टी, गड्ढे, जानवरों का शरीर या मनुष्यों में पैरासाइट परपोषी के रूप में मिलते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं एमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, ट्राइपेनोसोमा आदि। वायरस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही करेक्टर दिखाता है। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप एंड आर यूजली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि सादे माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखते और इनका अध्ययन करने के लिए बहुत तेज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वायरसेस कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सिर्फ पौधे और जानवरों के शरीर के अंदर ही बढ़ सकते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। देयरफॉर दे नीड ए होस्ट। इसलिए इन्हें एक होस्ट की, मेजबान की ज़रूरत होती है जो इनके जीने का साधन बन सके। दे आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये पौधों में, जानवरों में और मनुष्यों में पाए जाते हैं। टोबैको मॉइस्ट वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट वायरस। ये टोबैको मॉइस्ट वायरस जो है पौधों का वायरस है। सम वायरस कैन इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कुछ वायरस बैक्टीरिया को भी प्रभावित करते हैं। दीज वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेगास। इस तरह के वायरस को बैक्टीरियोफेगास कहते हैं। मैनी ऑफ द डिजीज लाइक पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड मम्प्स आर कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये बीमारियां हैं जो पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चिकन पॉक्स, मीजल और मम्प्स, ये वायरस से ही मनुष्यों और जानवरों में होती है। और आजकल एक और वायरस पिछले समय से फैला हुआ है, कोरोना वायरस। ये भी बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा जीवन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल बनाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन वेरियस फील्ड्स एंड आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाभदायक सूक्ष्म जीव। सम ऑफ द यूजफुल आस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव इस प्रकार हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, भोजन और पेय पदार्थ की
इंडस्ट्री, कारखाने, मेडिसिनल यूज़, दवाइयों में प्रयोग करने वाले, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाने वाले, एंड नंबर 4 मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट, वातावरण को साफ करने वाले। नंबर 1 फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, भोजन और पेय पदार्थ की इंडस्ट्री। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन प्रोसेसिंग ऑफ मैनी फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड, इडली एक्स्ट्रा। ये दही, पनीर, ब्रेड, इडली जो बनता है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभकारी हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनते हैं। फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ शुगर इंटू एन एसिड और एन एल्कोहल बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन की क्रिया में जो खाने का पेय पदार्थ की जो शुगर है वो एसिड या एल्कोहल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बदल जाती है। कर्ड, दही, दही का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। कर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैसिन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। दही दूध में उपस्थित एक प्रोटीन कैसिन नाम के प्रोटीन से बनता है। ए बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैक्टीरियस प्रमोट्स कर्ड फॉर्मिंग बाय कन्वर्टिंग लैक्टोज शुगर इन मिल्क इंटू लैक्टिक एसिड। एक बैक्टीरिया इस दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। इट मल्टीप्लाइज इन वार्म मिल्क एंड कन्वर्ट इट इंटू कर्ड। यह गर्म दूध को में कई गुना बढ़ जाता है और इसे दही में बदल देता है। चीज़ एंड पनीर, चीज़ और पनीर, आम भाषा में हम चीज़ और पनीर एक ही मानते हैं लेकिन इसमें कुछ भिन्नता है। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज़ एंड पनीर कॉटेज चीज़ इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। चीज़ और पनीर, पनीर जो दैनिक जीवन में तुरंत बनाया जाता है उसे पनीर जाना जाता है, और जो कई वर्षों तक रखकर अलग विधि से तैयार किया जाता है तो वो चीज़ बन जाता है। उसमें कुछ प्रिपरेशन में उसके टाइमिंग में अंतर होता है। पनीर कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में तैयार हो जाता है और चीज़ को बनने में कुछ साल भी लग जाते हैं। सम फंगी लाइक एस्पिगिलस एंड पेनिसिलियम आर आल्सो एडेड टू चीज़ टू गिव अ स्पेशल फ्लेवर, और स्पेशल फ्लेवर देने के लिए इसमें कुछ फंगी जैसे एस्पिगिलस और पेनिसिलियम भी मिलाए जाते हैं। विदेशों में चीज़ का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, हमारे भारत में पनीर का ज़्यादा चलन है। ब्रेड, डबल रोटी जो बाज़ार में ब्रेड मिलती है वह। द प्रोसेस ऑफ ब्रेड मेकिंग इन्वॉल्व्स नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, साल्ट, शुगर, यीस्ट, सेल्स, फंगी एंड वाटर इनटू डो। जब ब्रेड बनाते हैं तो आटा गूंथने में आटा, नमक, चीनी और यीस्ट डाल और पानी डालते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट कई गुना तेज़ी से बढ़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन यीस्ट शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया में जो शुगर है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। इस गैस के बबल डो को भर देते हैं और इसका वॉल्यूम, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। बेकिंग दिस एक्सपेंडेड डो किल्स द यीस्ट एंड स्टॉप फर्मेंटेशन। जब हम इसे पकाते हैं तो यीस्ट ख़त्म हो जाता है, मर जाता है और फर्मेंटेशन, सड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है। द एल्कोहल आल्सो इवोपरेट्स ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। एल्कोहल भी पकाने में उड़ जाता है। पेस्ट्रीज एंड केक्स आर आल्सो बेक्ड इन द सेम वे।
पेस्ट्री और केक भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। आप घरों में भटूरे और कुलचे बनाते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस यूज़ होता है, उसमें कर्ड का यूज़ करते हैं, कोई और चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसमें भी प्रोसेस सेम होता है। नेक्स्ट आर मेडिसिनल यूज़, दवाई के रूप में प्रयोग। सम ऑफ द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो, कुछ दवाई के प्रयोग नीचे दिए गए हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक शरीर की बीमारी को रोकथाम करने के लिए। बैक्टीरिया और फंगी जो हैं दवाइयों में एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि वे बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक सकें। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एराइथोमाइसिन आर सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एराइथोमाइसिन, ये कुछ ऐसे दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनते हैं। ये एंटीबायोटिक कुछ निश्चित ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए काम आते हैं, ये वायरस के लिए काम नहीं आ सकते। पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1928 में, जिसके लिए उन्हें 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। एंटीबायोटिक विशेष तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन का उत्पादन। ए डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर अवर बॉडी इज एंटीजन, एक बीमारी को रोकने वाला माइक्रोब हमारे शरीर में घुसकर हमारे एंटीजन बनाता है। यह हमारे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी बना देता है, बीमारी से लड़ने की शक्ति उत्पन्न कर देता है। ये भविष्य में हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को रोक देती हैं। एक वैक्सीन किसी मृत या कमज़ोर बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन होता है, जब उसे शरीर में खून में लगाया जाता है तो यह हमारे इम्यून सिस्टम में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एंटीबॉडीज़ प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है और भविष्य में उस बीमारी का इन्फेक्शन होने पर हम आसानी से बच जाते हैं। आजकल भी जैसे कोरोना बीमारी के लिए वैक्सीन लग रही हैं, वैक्सीन का कार्य यही है कि वह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से बचने की लड़ने की ताकत को उत्पन्न करता है और हम आसानी से, अगर हमें कहीं से कोरोना लग भी जाए तो हम आसानी से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हमारा बचना मुश्किल हो जाता है। इस अन्य सामान्य वैक्सीन बहुत तरह की हैं, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस और पोलियो, जो हम अपने बच्चों को दैनिक जीवन में लगवाते हैं, ये बहुत तरह के होते हैं। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुल्ली, ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपना वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।